आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है? प्रोटेक्टिव कोट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन इज सराउंडेड बाय थ्री प्रोटेक्टिव कोट। तीन प्रोटेक्टिव कोट होती है ब्रेन की, जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। मतलब एक ब्रेन क्रेनियम तो है ही है, उसके अलावा ये तीन कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई क्या है आपके पास? मेनिंजेस हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपके पास पाया मैटर। सबसे जो अंदर वाली लेयर है, इनर जो मेनिंजेस है, उसे नाम देते पाया मैटर, जो बहुत थिन है, हाईली वस्कुलर है और ब्रेन के क्लोज कॉन्टेक्ट में है। इट इज कवर्ड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियल। इसमें जो आपके पास सेल्स मिलेंगे वो सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियल टाइप की ये सेल्स से मिलके बनी है। इफ यू सी इन दिस डायग्राम, ये है आपके पास ग्रे और वाइट मैटर, जिनसे मतलब ब्रेन मिलके बना है। आप इसे ब्रेन कंसिडर कर लीजिए एक बार के लिए। और ये रही पाया मैटर, सबसे अंदर वाली पतली सी लेयर होती है स्क्वैमस एपिथीलियम से मिलके बनी हुई। देन है आर्कनॉइड मैटर और मेम्ब्रेन भी नाम दे सकते हो आपके पास। ये मिडल वाली लेयर है और इट इज़ ऑल्सो थिन, बहुत थिन है और नॉन वस्कुलर है। वो जैसे वस्कुलर थी, यहाँ पे नॉन वस्कुलर ब्लड सप्लाई नहीं है। ये आपके पास सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम सरफेस दोनों साइड पे, इनर और आउटर साइड पे, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियल से कवर्ड है। और नैरो स्पेस यहाँ है पाया मैटर और आर्कनॉइड मेम्ब्रेन के बीच में, जिसे हम सब आर्कनॉइड स्पेस कहते हैं, जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल हो। ये देखिए, ये रही आर्कनॉइड मैटर और मेम्ब्रेन, सब आर्कनॉइड स्पेस जहाँ पे CSF फिल है। नाउ द थर्ड वन इज ड्यूरा मैटर। ये सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जो थिक है, टफ है और यहाँ पे क्रेनियल कैविटी के साथ कॉन्टेक्ट में है। इसका जो इंटरनल सर्फेस है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम से कवर होता है और विद अ वेरी नैरो स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन ड्यूरा और आर्कनॉइड मेम्ब्रेन के बीच में लाई कर रहा है, सब ड्यूरल स्पेस, जिसके अंदर लिटिल फ्लूइड, बहुत कम सा फ्लूइड होता है, लेकिन वो फ्लूइड CSF नहीं होता, इस बात पे ध्यान रखिएगा। ये रही ड्यूरा मैटर, बाहर बोन मतलब क्रेनियम की कैविटी आ जाती है और ये सब ड्यूरल स्पेस ड्यूरा मैटर और आर्कनॉइड मैटर के बीच में, जहाँ पे थोड़ा सा फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है। देन वी सी द हिस्टोलॉजी ऑफ द ब्रेन। द ब्रेन इज कम्पोज ऑफ टू टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू, जो हम कह रहे थे बार बार ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का मतलब है कि यहाँ पे नर्व सेल बॉडीज, अगर आपको न्यूरॉन का डायग्राम ध्यान है तो उस न्यूरॉन के डायग्राम में सेल बॉडीज और उनका डेंड्राइट्स वाला पार्ट है, जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एक्सोन का, मतलब एक्सोन का स्टार्टिंग वाला हिस्सा है, वो सर्कुलर साइटोन है, डेंड्राइट्स हैं और एक्सोन का थोड़ा सा प्रॉक्सिमल वाला हिस्सा है, उसे ग्रे मैटर कहेंगे। व्हाइट मैटर का मतलब क्या है? यहाँ पे मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर, माइलिन शीथ से कवर, जो आपका एक्सोन वाला हिस्सा होता है वो इससे मिलके बना होता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ठीक है जी, अंदर है ग्रे मैटर और बाहर ब्रेन में क्या है? व्हाइट मैटर की कोटिंग है। जो पोस्टीरियर पार्ट है मेडुला ओब्लॉगेंटा का, उसके अंदर ग्रे मैटर अराउंड द फोर्थ वेंट्रिकल सराउंडेड एक्सटर्नली बाय व्हाइट मैटर, कि बीच में ग्रे मैटर है और वहाँ पे सराउंडिंग में क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल के सराउंडिंग में व्हाइट मैटर। और इन द इन्फीरियर पार्ट ऑफ मेडुला, द ग्रे एंड व्हाइट मैटर जो है इन्फीरियर पार्ट मेडुला का, वो इंटरमिक्स है। बाकी सारे ब्रेन के अंदर क्या है आपके पास? अरेंजमेंट इस वाले से, फर्स्ट वाले से बिल्कुल रिवर्स है। रिवर्स में क्या है? ग्रे मैटर फॉर्म्स द कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है, अराउंड द इनर व्हाइट मैटर, कि बीच में व्हाइट मैटर है और उसके बाहर क्या है आपके पास? ग्रे मैटर की कोटिंग प्रेजेंट होती है। फिर हम बात करें ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज रिक्वायरमेंट फॉर ब्रेन। तो ब्रेन के लिए आपके पास वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए ब्रेन को ज़रूरत होती है लार्ज अमाउंट में, और कांस्टेंट सप्लाई चाहिए एनर्जी की। अगर मतलब ब्रेन को आपके पास टोटल जितना कंजप्शन है उसमें से टोटल ऑक्सीजन का 20% ब्रेन यूज़ कर रहा है, और जितना भी ब्लड ग्लूकोज है उसका 15% अकेला ब्रेन यूज़ कर रहा है। अगर ब्रेन को 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। इस जो मेंटल कंफ्यूजन रिजल्ट्स अ ब्रेन, मतलब अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, ग्लूकोज की सप्लाई नहीं है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर प्लस आपको क्या करना है, जो हमने सेकेंड यूनिट में किया था नर्वस टिश्यू वाला, जो कनेक्टिव टिश्यू में नर्वस टिश्यू किया था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स और जितने भी अदर सेल्स के लिए किया था, वो आप ज़रूर रिवाइज कर लेंगे।